नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उमरिया जिले में फिर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया, जहां यह घटना कोतवाली के नजदीक 9 नंबर डॉक्टर कॉलोनी की है, जिसमें निवासरत सुशील वर्मन नामक युवक का शव उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ दिखाई दिया। एवं मृतक सुशील वर्मन मोहनपुरी मोहल्ले में चाय नाश्ते की होटल चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और अचानक संदेह इस पर उसकी मौत हो गई। वही घटना की सूचना परिजनों ने कोतवाली पुलिस को दी है। एवं सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मार्ग कायम करते हुए विवेचना शुरू की गई है। वही जिला अस्पताल में ड्यूटी डॉक्टर मृतक के परिजनों सहित पुलिस टीम की मौजूदगी में पीएम कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया है एवं जांच कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि मृतक सुशील वर्मन की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, यह पूरा मामला संदेहास्पद एवं जिले में इसके पूर्व में भी अनेकों घटनाएं हुई हैं, लेकिन घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। देखने को मिल रहा है कि आए दिन उमरिया में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और चूंकि अपराधियों का पता नहीं चल रहा है इसलिए उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। मेरा संबंधित विभाग से, पुलिस विभाग से ये निवेदन है कि अपराधियों की नकेल कसे और ये बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगे। देखिए, हम लोग कैंप गए हैं, वो लोग जो है तो रामपुरी मोहनपुरी के हैं, तो उसकी वजह से अब जो है तो अब हम लोग जब पता चला था हम आए अभी बॉडी अभी हमको अपने घर में ही फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। इस तरह की घटनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं, इन घटनाओं को रोकने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को साधन संपन्न, उनको रोजगार, और ये होता है फ्रस्ट्रेशन से, बेरोजगारी से और आपसी कलह से। इन घटनाओं से ये साबित होता है कि परिवार में आपसी कलह बढ़ती जा रही है, जीरो टॉलरेंस की ज़रूरत है। तो मैं ये अपील करता हूँ पुलिस प्रशासन से, पुलिस से कि वो तत्परता से सुशील बर्मन पिता स्वर्गीय विश्वनाथ बर्मन 38 साल की उम्र है और ये मोहनपुरी उमरिया से लाए गए हैं मृत अवस्था में। संभावना बताई गई है कि फांसी लगाकर इनकी मृत्यु हुई। जी, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मन है, मैं मृतक सुशील बर्मन का जीजा लगता हूँ। किस कारण से फांसी लगी है तो नहीं पता चल पा रहा। फांसी लगी तो मैं अस्पताल में ही पहुंची था, उसके बाद मुझे बताया गया कि ऐसा हो गया है, तो मैं तुरंत ही आया। मैंने देखा कि उनकी